पंचम कलिकाल है और विशेष रूप से तप करने के लिए जो साधन अपेक्षित है उनका अभाव है, दीर्घ सहन का अभाव है, चतुर्थ काल नहीं है, वातावरण इतना उज्ज्वल नहीं है। इसके उपरांत भी पंचम काल के अंत तक हीन सहन के माध्यम से भी चारित्र का अनुपालन करते हुए तप आदि करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत सारे आचार्य हुए हैं। कुंद कुंद स्वामी भी इसी पंचम काल में हुए हैं, उसके और भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, पुष्पगंध भूतवली जिनका यहाँ पर षटखंड आगम का स्वाध्याय प्रातः काल में होता है, जिसकी टीका वीरचिन स्वामी ने की है। कर्म सिद्धांत का वर्णन, सर्वांगीण वर्णन प्राकृत में मिलता है और विद्वानों ने उसका अनुवाद करके हम और आप लोगों के लिए स्वाध्याय करने के लिए उस पुरुषार्थ करके रखा है। आचार्य श्याम सागर जी हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में जो तप किया है वह भी अपने आप में अद्भुत तप है। सुनते हैं, हमने उनका दर्शन तो नहीं किया क्योंकि उनकी समाधि 1955 में हुई है और उन्होंने अपने जीवन काल में दिगंबरत्व के साथ जीवन व्यतीत करते हुए रत्नत्रेय की आराधना करते हुए एकांत स्थान में साधना करते हुए उन्होंने जो विश्व को जो बोध दिया है, विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है, वह भी अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य मैं समझता हूँ, क्योंकि उस समय में जो वातावरण था वह भी बहुत वर्तमान में जो वातावरण है इससे भी स्थिति भयानक थी। जैसा कि अभी चंद्रपुर सागर जी ने कहा, चारों ओर आतंक छाया रहता था और निश्चिंत होकर के धर्म साधना करने के लिए वातावरण नहीं मिलता था। और उस समय मुनि महाराजों की संख्या भी बहुत अल्प होती थी। इसके बावजूद भी पूर्वाचार्यों की कृति को, आगम को आत्मसात करते हुए साहस के साथ और निर्वीक होकर के आत्मसाधना करते हुए आप लोगों के लिए यह मार्ग प्रस्तुत किया है। मार्ग तो बना हुआ है किंतु उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत विशुद्धि और निरीहता, वैराग्य में भाव अपेक्षित होते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात गौतम गणधर जिन्हें केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद और भी उत्तरवर्ती महावीर भगवान के बाद अनुबद्ध केवली भी हुए हैं, अनुबद्ध केवली भी हुए हैं और श्रुत केवली भी हुए हैं। अंतिम केवली जम्बू स्वामी मानते हैं अनुबद्ध की अपेक्षा से, और अनुबद्ध की अपेक्षा से बहुत कुछ वर्णन मिलता होगा, जितना अपने को ज्ञात है
उस विषय को आपके सामने रखा जा रहा है। और श्रीधर केवली भी हुए हैं कुंडलपुर में, उनका निर्वाण स्थली जिसको बोलते हैं, और उसके बाद भी श्रुत केवली हुए हैं, उसमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए हैं, उसके बाद श्रुत केवली का अभाव हुआ और धीरे धीरे श्रुत का ह्रास होता चला गया। अंग और पूर्वों का ज्ञान रखने वाले उस समय विशेष रूप से आचार्य हुआ करते थे, और आज वर्तमान में वह सारा सारा ज्ञान लगभग लुप्त होने को है, थोड़ा सा शेष है। इसके उपरांत भी उस जिनवाणी के प्रति, उस आगम के प्रति आस्था रखते हुए आचार्य श्यामसार जी महाराज जैसे और भी आचार्य हुए हैं, जिन्होंने आगम की आराधना करते हुए उसमें जो भी पूर्वाचार्यों ने रत्नत्रय आदि के विषय में वर्णन किया है उसको आत्मसात करते हुए, उसका आलोड़न करते हुए मार्ग पर निरंतर चलते चले गए। मार्ग बताने वाले चले गए हैं, किंतु उनके द्वारा रचित जो आगम है उस आगम को ही एकमात्र दर्पण के समान मानते हुए, क्योंकि आगम चक्षु साहू कहा है, आगम ही जिसके नेत्र होते हैं ऐसा साधु हुआ करता है। तो इस प्रकार आचार्यों ने भले ही ज्ञान उतना विशिष्ट ज्ञान रखे अथवा न रखे, किंतु प्रयोजन भूत तत्व को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान अपेक्षित है उतना ज्ञान तो उनमें था, और वस्तुतः उसी को ज्ञान बोलते हैं। जो बड़े बड़े पोथी हैं, आगम शास्त्र आदि हैं, उनका अक्षर से सर्वांगीण ज्ञान करते हुए भी यदि उस मार्ग पर नहीं चलता है तो मात्र शाब्दिक ज्ञान माना जाता है, क्योंकि उस ज्ञान एकमात्र माध्यम है उस मार्ग पर चलने के लिए, और माध्यम होने के उपरांत भी उसका यदि सदुपयोग नहीं करते हैं तो मार्ग रहेगा कैसा। आप साहित्य का प्रकाशन कर सकते हैं, जनबिंब प्रतिष्ठित करके बड़े बड़े जनालय आदि का निर्माण करके जनबिंब की प्रतिष्ठा की जा सकती है, ये सब होता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हजारों हजारों साल के लिए हमारे लिए इतिहास सामने देखने में आता है, और उस जनबिंब के माध्यम से सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लिया जाता है, और शास्त्र का स्वाध्याय करते करके धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाया जाता है। किंतु कल बात आई थी कि वह चारित्र वह होता है जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त होता है और रागादिक कालुष भावों से रहित होता है, वह चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने पंचाष्टिकाएं में उल्लेख किया है। इन सभी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं करना, करने के लिए एक ही मात्र उद्देश्य है कि इस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए राग द्वेषादिक भावों का जो अभाव करने के लिए पुरुषार्थशील है उसी व्यक्ति का विकास हो सकता है। और आचार्य संसार जी महाराज ने अपने जीवन में जो कार्य किया है वह अपने आप में अवर्णनीय कार्य हुआ है, और उनकी परंपरा को चलाते हुए उनके उत्तरवर्ती आचार्य वीर सागर जी हुए, आचार्य शिव सागर जी हुए, आचार्य ज्ञान सागर जी हुए और आचार्य विद्या सागर जी हुए हैं।
ये सारे के सारे उसी आचार्य श्याम सागर जी की परंपरा का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और अपने जीवन को उन्होंने सार्थक बना लिया है। और संसारी प्राणी के लिए भी यही उपदेश दिया है, अपने शक्ति के अनुरूप शक्ति को नहीं छुपाते हुए भले शक्ति का उल्लंघन न करो किंतु शक्ति को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति प्राप्त हो जाती है शारीरिक शक्ति मानसिक बल आदि, किंतु उसका सदुपयोग जो होता है वह धर्म के आधार से ही हो सकता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यदि धर्म नहीं है उन शक्ति का उपयोग वह वैश्विक क्षेत्र में कर लेता है, सांसारिक क्षेत्र में शरीर का शारीरिक शक्ति का उपयोग करना वस्तुतः पतन के लिए कारण माना है। इसलिए यह जो पर्याय मिली है मनुष्य पर्याय, इसको सार्थक बनाने के लिए अपने को अभी से तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत कठिन है, सुनते समय ऐसा लगता है, मैं देखता रहता हूँ आपके चेहरों को, आप एकदम ऐसे महसूस करते होंगे कि बिल्कुल भीग गए हों बिल्कुल, क्योंकि वातावरण इसी को बोलते हैं। आगम के आधार से कोई भी विषय दिया जाता है उस समय वह अपने आप में झकझोर हो जाता है कि वस्तुतः यही आगम है और इसी के अनुरूप अपने को भी चलना चाहिए, इस प्रकार परिणाम हो जाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य श्याम सागर जी महाराज ने दीर्घ काल तक साधना की और अंत में सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर जाकर के उन्होंने संलेखना धारण कर ली और वह विधिवत आगमोक्त पद्धति से उन्होंने संलेखना धारण करके समाधि को प्राप्त हुए। संलेखना का अर्थ और कुछ नहीं होता है, क्षीण करने का नाम संलेखना, लेखना, क्षीण करना, किसको क्षीण करना, शरीर को क्षीण किया जाता है और इसके साथ साथ कषाय को भी क्षीण करने का उद्देश्य रखा जाता है, उसको संलेखना बोलते हैं। और सुनते हैं उनकी संलेखना 36 दिन की हुई है और यह भी चर्चा का विषय हमें सुनने को मिलता है कि अंत में 14 दिन तक निर्जला उपवास के साथ उनकी समाधि हुई, ऐसा सुनते हैं। हाँ, यही है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रपुर सागर जी, क्योंकि उनके जीवन वृत्त में यह पढ़ने को मिलता है। सोचो विचार करो, 14 दिन तक निर्जला उपवास के साथ संलेखना को उन्होंने संपन्न कर ली। और कई लोग कहते हैं महाराज ये तो पंचम काल है, पंचम काल है, उनके लिए भी पंचम काल ही था और हम और आपके लिए भी वही पंचम काल चल रहा है। अभी काफ़ी समय है पंचम काल का, अभी महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हो करके 2500 वर्ष थोड़े बहुत और आगे पीछे हो सकता है, इतना ही काल व्यतीत हुआ है। अभी लगभग 18,500 वर्ष पंचम काल के शेष हैं और इस प्रकार निरंतर साधना करने वाले साधक इस धरती पर मिलेंगे। पंचम काल के अंत तक ये धर्म चलता चला जाएगा, उसके उपरांत जब प्रलय होगा जब छठा काल आएगा उस समय कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर कर्म का भी अभाव हो जाएगा। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सारे सारे जीवन यापन करने के लिए षटकर्म माने गए हैं, वो सारे सारे षटकर्म जब समाप्त होगा उस समय जो मनुष्य रहेंगे वे बुद्धिहीन रहेंगे और मिट्टी का सेवन करके जीवन यापन करेंगे, इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। ये पतन की ओर जा रहा है,
वो थान जो होगा वह वो सर्पिणी में होगा। अभी ये अवसर्पिणी चल रही है और पंचम काल के बाद छठा, फिर बाद में वो सर्पिणी काल प्रारंभ होगा तो वो छठे से ही प्रारंभ होगा। छठा और पंचम उसके बाद चतुर्थ काल आएगा वो सर्पिणी का, उस समय पुनः तीर्थंकरों का उद्भव होगा और पुनः नए सिरे से और तीर्थ का संचालन करने के लिए महापद्म नाम के तीर्थंकर जो अभी वर्तमान में नरक में हैं। नरक में क्यों हैं? बाद में वो तीर्थ के संचालक होंगे किंतु वस्तुतः अज्ञानी संसारी प्राणी का पतन जो होता है वह अपने परिणामों के द्वारा होता है। और आप लोग सब पढ़ते होंगे प्रथमान योग ग्रंथ को, उसमें भी उल्लेख मिलता है श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर एक भयंकर उपसर्ग किया था और उस उपसर्ग के फल स्वरूप उसे सप्तम पृथ्वी का बंध हुआ था जहाँ पर 33 सागर की आयु है। किंतु बाद में उपसर्ग के पश्चात जब उस उपसर्ग को दूर करने के लिए कौन गई? हाँ, रानी चेल्ला ने उस उपसर्ग को दूर किया है। वह समय श्रेणिक भी उपस्थित था, उन्होंने सोचा था हमने तो भयानक उपसर्ग किया है, चले गए होंगे, भाग गए होंगे वो महाराज, ऐसे थोड़े भागने वाले वो है। निर्भीकता के साथ उस अवसर को स्वर्ण किया था। जब चेल्ला ने देखा उन्होंने सोचा कि इतना अनर्थ किया है, किसने? अपने पति ने ही अनर्थ किया है। और बड़े करुणा के साथ और आस्था के साथ बड़े भक्ति के साथ उन्होंने वहाँ पर जा कर के अपना कर्तव्य का एक निर्वाह किया और सारा सारा उपसर्ग को दूर किया है। उपसर्ग दूर होने के उपरांत उपसर्ग क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब डिटेल पढ़ो, समय हो रहा है, संक्षेप कर रहा हूँ। और चेलना ने उपसर्ग जब दूर किया उसके बाद जब यशोधर मुनि महाराज ध्यान से निवृत्त हो जाते हैं उस समय दोनों ने नमोस्तु किया, किंतु बिना किसी पक्षपात के यशोधर मुनि महाराज ने दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। किसी के प्रति उनका वैर भाव नहीं रहा, किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रहा और उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देते ही श्रेणिक राजा के मन में ऐसा लगा हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, ऐसा अनर्थ करने वाला धरती पर शायद ही कोई मिलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया है, वहाँ पर भी मारने का ही भाव है, हिंसा का ही भाव है, किंतु उस चक्री ने नरकाय का बंद नहीं किया और श्रेणिक राजा ने जब उपसर किया तो नरकाय का बंद क्यों किया? प्रश्न ये है, कारण ये है चक्री ने बाहुबली के ऊपर चक्र तो चलाया है किंतु बाहुबली वस्तुतः दिगंबर साधु नहीं था, वह भाई था, अपने भाई के ऊपर चक्र चलाया है, किंतु इस श्रेणिक राजा ने एक दिगंबर संत के ऊपर उपसर्ग किया है, उसका प्रतिफल परिणाम यह निकला कि वह सप्तम पृथ्वी का बंद किया था। किंतु जिस समय उसने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसके बाद ऐसे पश्चाताप के भाव भीतर होने लगे, हे भगवान इस प्रकार का जो अनर्थ किया, पाप का अर्जन किया, अब इस पाप को हम कहाँ पर धोएंगे? अपनी निंदा, अपनी आलोचना, अपनी गर्रा, अपनी
जो कुछ भी अपने लिए टाइटल लगाना था लगा लिया, और उसके फल स्वरूप उस आलोचना अपनी आलोचना करने के फल स्वरूप उसने सम्यक्त को उत्पन्न कर लिया। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ नरकायु का बंध होता है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ली और तीर्थंकर के पाद मूल में उसने क्या किया, षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया और उसके साथ साथ सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित किया। ये इतने उज्जवल परिणाम जो हुए हैं, ये तत्काल ऐसे कैसे उज्जवल परिणाम होते होंगे महाराज? उज्जवल परिणाम जो होते हैं वह अपने अपराध को स्वीकार करने से ही परिणामों में उज्जवलता आती है। अज्ञानता के कारण संसारी प्राणी अनर्थ कर डालता है, किंतु हमेशा अज्ञानमय परिणाम हो यह अनिवार्य नहीं है। कालांतर में बहुत ही अल्प काल में वो सारे सारे अज्ञान जन्य भाव समाप्त हुए और उन्होंने ये कार्य किया। सोचो विचार करो, किंतु साम्य भाव रखने वाले यशोधर मुनि महाराज ने सोचा, इसमें और किसी का अपराध नहीं है और किसी का दोष नहीं है, मेरे ऊपर जो उपसर्ग हुआ है वह किसी न किसी निमित्त से तो होना ही है। उसमें अंतरंग यदि कोई निमित्त है तो मैंने जो विगत में पाप किया है उसका यह प्रतिफल है, इस प्रकार वो सोच रहे हैं। इसी को बोलते हैं साधक की दृष्टि कभी भी निमित्त की ओर नहीं जाती, बहिरंग निमित्त की ओर, किंतु अंतरंग निमित्त की ओर उनकी दृष्टि जाती है। और उन्होंने सोचा, ये मेरे द्वारा किया हुआ यह परिणाम है, हमने विगत में अतीत जीवन में किसी के साथ इस प्रकार का अनर्थ कार्य किया होगा और उसके माध्यम से जो पुण्य का अर्जन हुआ है वह समय पाकर के उदय में आया है, इसलिए वस्तुतः मैं अपराधी हूँ, ये सामने वाला अपराधी नहीं। इस प्रकार उज्ज्वल परिणाम करने वाले यशोधर मुनि महाराज हुए। सोचो विचार करो, इसी प्रकार आचार्य श्याम सागर जी महाराज के जीवन काल में भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इसके उपरांत भी बड़ी निर्भीकता के साथ, निरीयता के साथ उन्होंने शरीर के प्रति किसी भी प्रकार से कोई ममत्व भाव नहीं रखते हुए और आत्मकल्याण करते हुए, साधना करते हुए विश्व के लिए भी वीतराग मार्ग का एक आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसी मार्ग पर चलने वाले उत्तरवर्ती और भी आचार्य होते चले जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, महाराज ने भी यही कहा है कि वस्तुतः ज्ञान उसी का नाम है जो आचरण के लिए कारण होता है। ज्ञान के होने के उपरांत भी आचरण की ओर यदि दृष्टि नहीं जाती है तो वह ज्ञान लुप्त तो हो जाता है और वह ज्ञान कोई भी अपना महत्व नहीं रखता है। क्योंकि ज्ञान चारित्र के लिए हुआ करता है, चारित्र के लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान चारित्र के लिए ज्ञान की आराधना की जाती है और ज्ञान की आराधना करते करते यदि अपने जीवन में चारित्र न आए तो वह ज्ञान की आराधना भी नहीं मानी जाती है। इसलिए बहुत अल्प समय है वर्तमान में, इसलिए हीन सहनन के साथ भी आचार्य श्याम सागर जी महाराज ने जो संलेखना करके समाधि उन्होंने साधा है वह अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य किया है और हम लोगों के लिए वह एक आदर्श आदर्श बन करके गए हैं। उनके आदर्श को हम सामने रखते हुए अपने शेष जीवन को भी चारित्रमय बनाने का और वीतराग भाव के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए
हम पुरुषार्थ करते रहें और इसी पुरुषार्थ के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक वो आचार्य पहुँचे हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म। महावीर जी बना दंगल का अखाड़ा, महावीर जी में यह क्या हो रहा है? समाज इस ओर ध्यान नहीं।